हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड विद अनदर वीडियो। सो गाइस, आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि कैसे आप अपने एंड्रॉयड फ़ोन से एक प्रोफेशनल थंबनेल बना सकते हैं। सो गाइस, इसके लिए आपको नीड होगी पहले एक पिक्सल लैब की, ठीक है गाइस। ये ऐप है पिक्सल लैब, जो आप अपने प्ले स्टोर से, अपने मोबाइल के प्ले स्टोर से आप वहाँ से इजीली इंस्टॉल कर सकते हैं। सो गाइस, जैसे आप इसे इंस्टॉल कर लेंगे तो उसके बाद जब आप इसे ओपन करेंगे तो आपको कुछ इस टाइप का ही दिखेगा, ठीक है गाइस। तो उसके बाद आपको क्या करना है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले आपको इमेज साइज़ पर क्लिक करना है। इमेज साइज़ पर क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको यूट्यूब थंबनेल, आप देख सकते हैं यहाँ पर यूट्यूब थंबनेल लिखा हुआ है, ये रहा यूट्यूब थंबनेल, ये देख सकते। एक मिनट गाइस, आपको मैं प्रॉपर दिखा देता हूँ। ये देखिए गाइस, ये यूट्यूब थंबनेल लिखा हुआ है, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर यूट्यूब थंबनेल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली जो विड्थ है वो 180 हो जाएगी और जो हाइट है वो 720 हो जाएगी, ठीक है गाइस। उसके बाद आपको ओके कर देना है। सो गाइस, अब ये क्या है, प्रॉपर साइज़ क्लिक हो चुका है, मतलब जो थंबनेल का प्रॉपर साइज़ होता है वो यहाँ पे सेलेक्ट हो चुका है। अब आपको इसे वहाँ पर यूट्यूब पे लगाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है गाइस। अब गाइस क्या करना है आपको, प्रोफेशनल थंबनेल बनाने के लिए आप चाहे तो पहले इसके नीचे से कलर चेंज कर सकते हैं, ठीक है गाइस। यहाँ से आप जो चाहे कलर, यहाँ बहुत सारे कलर हैं, कलर सेलेक्ट ऑप्शन पे जाके आप चाहे इसे वाइट कर सकते हैं, येलो कर सकते हैं, ठीक है गाइस। चलो मैं येलो कर देता हूँ, ठीक है गाइस। येलो करने के बाद और भी गाइस इसमें काफ़ी सारे ऑप्शन आते हैं। अब जैसे आप मान लो कि आपको बनाना है कि यूट्यूब की वीडियो कैसे वायरल करें, ठीक है गाइस। तो आप यहाँ टेक्स्ट में जाएंगे, टेक्स्ट में जाके आप यहाँ टेक्स्ट पे लिख सकते हैं हाउ टू वायरल यूट्यूब वीडियो, ठीक है गाइस। हाउ, जैसे चलो मैं ये थंबनेल बना रहा हूँ ना, तो मैं ये लिख सकता हूँ हाउ टू मेक प्रोफेशनल थंबनेल, हाउ टू मेक, ठीक है गाइस, हाउ टू मेक, इतना लिख दिया मैंने हाउ टू मेक। फिर दोबारा आप इस पर जाएंगे टेक्स्ट पे, एक न्यू टेक्स्ट हम यहाँ से ऊपर जाके न्यू टेक्स्ट कर लेंगे, ठीक है गाइस। अब न्यू टेक्स्ट पे हम जाके क्या लिखेंगे, यहाँ जाके टेक्स्ट खोल लेंगे हाउ टू मेक प्रोफेशनल, हम यहाँ लिखेंगे प्रोफेशनल, प्रोफेशनल, ठीक है गाइस, हाउ टू मेक प्रोफेशनल। अब लास्ट पे हम लिखेंगे थंबनेल, ठीक है, लास्ट पे हम थंबनेल लिखेंगे। यहाँ से टेक्स्ट दोबारा लेंगे, न्यू टेक्स्ट चूज़ कर लेंगे। न्यू टेक्स्ट चूज़ करने के बाद दोबारा इस पेंसिल वाले आइकन पे जाएंगे, पेंसिल वाले आइकन पे जाके यहाँ लिख लेंगे हाउ टू मेक प्रोफेशनल थंबनेल, ठीक है, थंबनेल फॉर यूट्यूब, वो हम लास्ट में लिखेंगे थंबनेल, ठीक है गाइस। अब पहले इतना लिख लेंगे और लास्ट में हम यहाँ फिर पेंसिल वाले एक्शन आइकन पे जाके लिखेंगे फॉर यूट्यूब, ठीक है गाइस, फॉर यूट्यूब, यूट्यूब के लिए, ठीक है। तो अब जो इतना हमें लिखना था वो सब हम लिख चुके हैं, अब हम इसको करेंगे एडिट। तो ऐसे अब इस पर क्लिक करने के बाद आपको ही ए नीचे जो लिखा है इस पर जाना है। मैं आपको शो कर देता हूँ आइकन, ये देख सकते हैं आपको, इस नीचे ए, इस पर हमें क्लिक कर देंगे। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पे हमारे को कई सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, ठीक है गाइस। तो सबसे पहले हम चाहें तो इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं, यहाँ कलर का ऑप्शन है, कलर के ऑप्शन पे क्लिक करके आप चाहे वाइट रख लो, चाहे आप कोई रख लो, तो गाइस वाइट रखते हैं, वाइट अच्छा लग रहा है, ठीक है। और उसके बाद आपको वाइट कर रखने के बाद क्या करना है, यहाँ पे आपको नीचे टिक का ऑप्शन शो हो रहा होगा, ठीक है गाइस। तो टिक के ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है, तो ये यहाँ पर टिक गया, ठीक है। उसके बाद अब आगे जाएंगे, यहाँ पे फ़ॉन्ट पे सेलेक्ट करेंगे, फ़ॉन्ट हम चाहे ये रख सकते हैं बोल्ड, एमरल्ड बोल्ड, ये ठीक लगेगा, ये रखते हैं, ठीक है। यहाँ से फ़ॉन्ट चेंज कर लिया आपने, थोड़ी सी आगे जाएंगे, यहाँ स्टॉक का ऑप्शन होगा, यहाँ से स्टॉक ओपन हो जाएगी, ठीक है गाइस। और उसके बाद यहाँ थ्री टेक्स्ट है, थ्री टेक्स्ट को हम थोड़ा ओपन कर लेंगे और यहाँ से थोड़ी डेप्थ कम कर लेंगे ताकि लगे थोड़ा प्रोफेशनल है, ठीक है गाइस। देख सकते हैं आप कितना अच्छा बन रहा है, थोड़ी शेडो दे देंगे इसे, ठीक है। अब वहीं प्रोफेशनल पे आ जाएंगे, इसके साथ भी सेम यही करेंगे, कलर पे जाएंगे वाइट कर देंगे, ठीक है। फ़ॉन्ट पे जाएंगे, ब्लॉगर सेंस बोल्ड ले लेंगे, ओके कर देंगे गाइस। आगे स्टॉक पे आ जाएंगे, स्टॉक कर देंगे, एंड थ्री टेक्स्ट को भी कर देंगे ओपन, डेप्थ थोड़ी कम कर देंगे इसकी भी, एंड गाइस शेडो दे देंगे एंड में,
देख सकते हैं गाइस कितना प्रोफेशनल लगने लग गया अभी। एज इट इज सेम हम थंबनेल के साथ भी करेंगे। कलर पे जाके वाइट टैक्स बोल्ट एंड स्टॉक ओके एंड 3D टेक्स्ट ओके एंड डेप्थ थोड़ी कम कर देंगे ठीक है 9 ठीक है। एंड गाइस इसकी शेडो देने भूल गए, हम शेडो दे देंगे। एंड लास्ट में फॉर यूट्यूब, सो गाइस मैं सोच रहा हूँ इसका रेड रंग दूँ मैं इसको, लेकिन इसको रेड कलर दे के देखते हैं ठीक है, इससे वो थोड़ा अट्रैक्टिव लगेगा। इसको रेड कलर हमने दिया ठीक है गाइस, और फॉन्ट यही चूज़ कर लेते हैं। एंड गाइस स्टॉक दे देते हैं उसको, स्टॉक देने के बाद 3D टेक्स्ट के बाद शेडो कर लेते हैं ठीक है गाइस। ये देख सकते हैं आप गाइस कैसा अच्छा लग रहा है कितना, है ना, हाउ टू मेक प्रोफेशनल थंबनेल फॉर यूट्यूब। सो गाइस ये तो यहाँ से हो गया ठीक है। अब आप चाहे तो इसके अंदर कोई इमेज वगैरह भी ऐड कर सकते हैं ठीक है। तो गाइस पहले तो मैं आपको इसमें शेप्स ऐड करके दिखाता हूँ, आपको इसमें शेप्स कैसे ऐड करते हैं। यहाँ शेप्स के ऑप्शन में गए, नीचे आप यहाँ क्लिक करेंगे वो काफ़ी सारी शेप्स मिल जाएंगी। इस सर्कल वाली शेप हम चूज़ कर लेते हैं उसको, जैसे आप सर्कल शेप को बड़ी करेंगे ना ये देख सकते हैं। अब इस साइड ऐसे या तो इस तरफ लगा लो गाइस, या तो इस तरफ लगा लो, चलो इस तरफ लगा के देखते हैं जहाँ अच्छी लगेगी वहाँ कर लेंगे ठीक है। उसके बाद आप इस पर रेड रखोगे तो कितना अच्छा लगेगा ठीक है गाइस। बाकी मैं और कोई कलर ट्राई करके देखता हूँ, जो उनसे अच्छा लगेगा वो इस पर चूज़ कर लेंगे। ये भी है, ये भी है। सो गाइस मुझे रेड ही अच्छा लग रहा है, मैं सोच रहा हूँ रेड करके देखूँ फिर बाद में चेंज कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सो गाइस मैंने रेड रख दिया। अब गाइस ये इसको हमें पीछे कैसे करना है, बैक भी हम इसको कर सकते हैं। सो गाइस आपको ये बीच वाले जो है इस आइकन पर क्लिक करना है। वेट मैं आपको बताता हूँ कौन से आइकन पर आपको क्लिक करना है। ये गाइस आप बीच में देख रहे हैं ना, इस आइकन पर आपको क्लिक करना है। इस आइकन में क्लिक करने के बाद यहाँ लिखा है टू बैक। सो वैसे टू बैक पर जैसे आप क्लिक करोगे पीछे चले जाएगा ठीक है गाइस। अब चाहे हम यहाँ से इस पीछे का जो गैस का कलर भी चेंज कर सकते हैं। चलिए गाइस इसको कोई और कलर दे के देखते हैं, क्योंकि पीछे जो ये कलर है ये अच्छा नहीं लग रहा है। एक मिनट का इसका कलर चेंज करते हैं, हाँ इसको कोई और कलर देते हैं, वाइट देखते हैं। येलो भी ठीक नहीं है, ब्लैक से थोड़ी आउटलुक अच्छी आ रही है। बाकी हम चेक कर लेते हैं जो सा कलर अच्छा लगेगा वही दे देंगे पीछे ठीक है गाइस। उसको गाइस ये चाहे हम ये चीज़ यहाँ भी कर सकते हैं, यहाँ अच्छी लग रही है गाइस ज़्यादा। उसको गाइस ये जैसे हिल रहे हैं ना, अब जैसे मैं पीछे कर रहा हूँ तो ये हिल जाते हैं ठीक है गाइस। तो इसको ना हिले इसके लिए आपको क्या करना है, ऊपर वाले यहाँ पर क्लिक करना है और जो सबको लॉक कर देना जो चीज़ आपके हिल, अब ये हिलेंगे नहीं गाइस, जितना मर्जी कर लो सिर्फ पीछे का ही हिलेगा। इससे गाइस आपका ये बेनिफिट हो जाएगा, थोड़ा सा बड़ा करके ना इसको यूँ लगा देंगे गाइस ठीक है। देख सकते हैं गाइस आप कितना अच्छा लग रहा है, कितने अच्छे लुक आ रही है, बिल्कुल प्रोफेशनल लग रहा है। सो गाइस इतना हो गया, आपको समझ आ गया। अब मैं गाइस आपको उसमें थोड़ा और अट्रैक्टिव बना के दिखाता हूँ इसको। अब गाइस अपना क्रोम ओपन करेंगे ठीक है गाइस, अपना क्रोम हम ओपन करेंगे और वहाँ से कुछ इमेजेस डाउनलोड कर लेंगे गाइस। क्रोम ओपन करके कुछ इमेजेस वहाँ से हम डाउनलोड कर लेंगे गाइस, फिर मैं आपको दिखाता हूँ वो इमेजेस को हमें यहाँ पे कैसे पुट करना है। यूट्यूब लिख के इमेजेस में जाएंगे। सो गाइस आप जैसे यहाँ की कुछ जो सबसे अट्रैक्टिव होगा लोगों को, ऐसे कि ये ठीक लग रहा है तो ये हम यहाँ से गाइस डाउनलोड कर लेंगे। जैसे ये इमेज डाउनलोड हो जाएगी, डाउनलोड हो गई, हम दोबारा से अपना काइन मास्टर ओपन ये ओपन करेंगे पिक्सल लैब। सो यहाँ पे जाएंगे फ्रॉम गैलरी, गैलरी से जाके जो भी रिसेंट डाउनलोड यही है सो इसको ले लेंगे ठीक है, ओके कर लेंगे। ये देखिए गाइस यहाँ आ गया अब ये। सो गाइस ये देख सकते हैं आप, अब ये नीचे जो मैंने लिखा ना फॉर यूट्यूब, इसको अगर मैं चाहूँ डिलीट करके ये यूट्यूब भी कर सकता हूँ। सिर्फ एक मिनट मैं आपको दिखाता हूँ, ये डिलीट यहाँ से हो जाएगा गाइस, डिलीट हो गया। अब इसकी जगह मैं यहाँ ये यूट्यूब भी लगा सकता हूँ ऐसे गाइस, थोड़ा छोटा करके यहाँ ऐसे ठीक है। एक मिनट सबको थोड़ा ऊपर कर देंगे ताकि नीचे स्पेस रहे, क्योंकि ऊपर काफ़ी ज़्यादा जगह है, थोड़ी नीचे स्पेस बन जाएगा यूट्यूब के लिए। ये देखिए गाइस ऐसे थोड़ा बड़ा कर देंगे, अभी कितना अट्रैक्टिव लग रहा है गाइस आप खुद देख सकते हैं। ऐसे करके ये देखिए गाइस कितना अट्रैक्टिव बन चुका है, हाउ टू मेक प्रोफेशनल थंबनेल यूट्यूब के लिए।
और चाहे गाइस इसमें आप अपनी और भी क्रिएटिविटी दिखा सकते हैं काफ़ी ज़्यादा। इसमें आप जितनी चाहे उतनी क्रिएटिविटी, जितना आपका माइंड क्रिएटिव होगा यहाँ से आप सब प्रोफेशनल कर सकते हैं गाइस। आपको कुछ करने की नीड नहीं है। देखिए गाइस अभी कितना अट्रैक्टिव लग रहा है। तो और मैं आपको थोड़ा इसमें करके दिखाता हूँ कि और इसे प्रोफेशनल कैसे किया जाए। अब मैं आपको और थोड़ी बहुत चीज़ें डाउनलोड करके दिखाता हूँ कि और जिससे प्रोफेशनल बनेगा ये कर दिखाता हूँ मैं गाइस करके। आई थिंक ये इंस्टॉल करते हैं, ये डाउनलोड कर लेते हैं यहाँ से। इसमें गाइस जितनी आप चाहे उतनी क्रिएटिविटी कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप कर सकते हैं। दोबारा अपने पिक्सल लैब में आ गए, ठीक है, ये आप ही के पास है, जो आप जो वो करो। फ्रॉम गैलरी में गए, गैलरी में अभी ऐप डाउनलोड इंस्टॉल की थी, ठीक है। अरे इसको हम यहाँ ले आएँ, इसको हम चाहे ऐसे यहाँ लगा सकते हैं, ठीक है, ये ऐसे कर सकते हैं गाइस, ठीक है। चाहे इसको बैक में भेज सकते हैं ऐसे, थोड़ा सा यूँ कर सकते हैं, देखो गाइस। सो गाइस इसमें आपके ऊपर आप कितनी जितनी चाहे उस टाइप की कलाकारियाँ इसमें कर सकते हैं। अच्छे लगेगा इसे डिलीट कर देता हूँ, ठीक है गाइस। तो ऐसे करके आप करो गाइस, अपनी बनाओ, और यही मैं थंबनेल डालूँगा, ठीक है गाइस। और यही थंबनेल आपको बना के दिखाया मैंने। तो चलिए गाइस, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो यार, ताकि इस तरह के वीडियोस आप लोगों तक पहुंचती रहे। और जो भी न्यू यूट्यूबर्स हैं, जो भी यूट्यूब बना रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं, उनके लिए हमारी वीडियोस बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ओके गाइस, मिलते हैं इसी तरह की किसी और वीडियो के साथ।